सो गाइज हमारे पास ना आ रही है हमारी एक मैम सीमा जी, और उनके लिए जो है शेफाली बहन जी ने खाना रेडी किया है। सो हमने बनाया है पनीर, और उन्होंने बनाई है साथ में आलू गोभी की सब्जी, देखिए उनके खाने के लिए, और बने हैं राइस। ये देखिए गाइज उनके लिए खाना रेडी किया गया है, और साथ में बनाई है खीर मीठे में। तो ये हमने उनके लिए, शेफाली बहन का किचन है, और सो हम आपको पूरा ब्लॉग जो है दिखाएंगे जैसे ही वो एंट्री करेंगे। सो देखिए यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर सीमा जी आ चुके हैं, ये राधा जी हैं, और ये सुनीता मैम है। सो गाइज ये हमारी मैम है सुनीता मैम, ये जो साड़ी में बैठे हुए हैं यही हमें गाइड करते हैं, और ये हैं हमारी सीमा जी जो दुर्गा वाहिनी से प्रांत संयोजिका हैं। और गाइज अब वो आ गए थे सेंटर में, क्योंकि उन्होंने सेंटर में ही मीटिंग जो है रखी थी, लड़कियों को जो है उन्होंने कुछ बताना था कि अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भर कैसे बने। सो यहाँ पर मैं करूँगी उनका तिलक, क्योंकि वो हमारे जो सेंटर में है और हमारे यहाँ पर गांव में पहली बार आई हैं, तो अतिथि देव भव। सो उनका वेलकम के लिए हमने जो है यहाँ पर उनका तिलक किया था, और कुछ मीठा था, सो जो उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार प्लेट से ले लिया था। और ये है हमारी राधा जी, ये भी हमें बहुत मतलब सहयोग देती हैं और हमें बताती हैं कि हमें काम कैसे करना है, इनके बिना तो हमारी टीम ही अधूरी है। तो यहाँ पर फिर जो सीमा जी हैं वो दीप को प्रज्वलित कर रहे थे, और उनके साथ फिर हम लोग भी खड़े हुए थे। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में आप सीमा शर्मा जी फ्रांस का हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो हमारे लिए फरीदाबाद से फरीदाबाद से आर्मी का आप शेफाली बहन जी अपना मातृशक्ति हैं, आप पिछले एक साल से हमारे साथ जुड़ रही हैं और आप बहुत अच्छा कार्य करें। सब कुछ करता है, कोई जरूरी तो हमारे बहन सीमा जी बच्चियों को आत्मरक्षा कैसे करती है, आज समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, बेटियों को कि अपनी रक्षा अपने आप, कोई नहीं आएगा कहीं भी आपका बिल पड़ती है, कोई नहीं आएगा आपको बचाएगा। तो ये सीखना आज के समाज में सबसे, तो उसी विषय पर आज बहन आपको वहां से कुछ बातें बताएंगी जिनको आपने जीवन में उतारना और इसी तरह जुड़े रहना। नहीं जानते यहाँ तक बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का कार्य है तो आप तक नहीं पहुँचा है या उसके विषय में आप नहीं जानते, तो मैं छोटा सा परिचय देती हूँ विश्व हिंदू परिषद क्या है और क्यों उसकी स्थापना की गई। संघ का नाम सुना है, RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925
की स्थापना के बाद ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और उनकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? श्री गुरु जी का नाम सुना है आपने? गुरु जी यहाँ तस्वीर में पूछा वो गुरु जी। तो गुरु जी ने जब देखा कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट आ रही थी कि समाज में इतनी जय श्री राम जय जय श्री राम। और गाइस फिर हम लोग जा रहे थे दीदी को लेकर कथा में, तो चलते हैं जी, सारी बहनें जा रही हैं कथा में दीदी को लेकर। अभी उन शास्त्रों का ज्ञान
क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या स्कूल में सिखाई जाती है, उनको क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें हम माता ही सिखाएंगे, क्योंकि माता ही निर्माता होती है बच्चे का। अगर माता ने अपने बच्चे का निर्माण नहीं किया तो फिर बच्चा कहीं भी किसी भी गलत संगति में पड़ सकता है। जैसे माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज का किया था, उनको पाल पोस कर उनको संस्कारित किया था, तो ऐसे ही हम सभी को अपने बच्चों को बनाना है, राष्ट्रभक्त बनाना है, देशभक्त बनाना है, अपने साथ धर्म को बचाने के लिए पांच मान बिंदु है, अपने ग्रंथ है, अपनी गाय माता है, अपने और गाइज फिर सीमा जी बोले कि मुझे कलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करने हैं, तो हम उनको लेकर रात को जो है 7:30-1 बजे मंदिर में गए। सो हमने उनको जो है वहाँ के दर्शन करवाए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए वहाँ पर दर्शन करके। सो आप लोग खुद ही देख लीजिए जी। और मैं जो है उनके साथ ही रही जब तक वो यहाँ पर थी, वो एक रात की स्टे यहाँ पर करके गए हैं, सो हम उनके साथ ही थे। तो गाइस हम मैम को लेकर आए हैं महाकालेश्वर मंदिर में माथा टिकवाने, साथ में राधा जी हैं। यहाँ पे मैम जी जो एक आनंद पब्लिक स्कूल के नाम से पहले स्कूल चलाया गया था इस बिल्डिंग में, तो स्कूल तो वो यहाँ पे चल नहीं पाया। अभी जो है ना कुछ योगा क्लासेस विशेष रूप से जैन कुछ स्कूल वाले कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं, डेली नहीं, जैसे कुछ संस्थाएं हैं वो चलाना चाहती हैं तो इस प्रांगण में मतलब कर सकते हैं। अपना जो वर्ग लगा था तो आवासीय हमने यही जनरेश में रखा था सभी का। समय है हाँ जी होगा ना, मुझे लगता है भजन दल में भी जब वर्ग था तो मुझे लगता है किसी को अनुमति किसी नहीं कि कोई भी नहीं मना कर सकता। आ जाओ, इसलिए मैं तब से अंदर की मंदिरों में होता है, इसलिए मैं अंदर की नहीं बनाती हूँ, बाहर की बना। साइड में जाओगे तो सभी मंदिरों में बना है, यहाँ राम नाम तैरने वाला पत्थर भी है, वो रहा इधर है वो। आ जाओ उसको वीडियो लो, उसका फोटो बनाओ।
आप पीछे हो ना, ये हमारी मत बनाओ, उन जगह की बनाना। इसमें है तो कहाँ है पत्थर? वो रहा कहाँ पे? ये रहा। अच्छा मैं वो कोई वो लाओ, तिनका लाओ, तिनका ना फिंगर से तो टच होगा नहीं। ये पत्ता है ना, ये देखो, ये देखो, दिख गया, दिख गया। गाय देखो तैरता पत्थर, राम सेतु। फ्रेंड्स, माथा टेकने के बाद हम लोग आ गए थे इस वाले आंगन में। सो यहाँ से वो सामने लाइटिंग वगैरह देख रहे थे। सो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा इस टाइम मौसम हो रहा था, तो दीदी को भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने उनको यहाँ पर उनका माथा टिकवाया। और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर हम उनको लेकर गए थे यमुना मंदिर, वहाँ का भी पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा। तो राधे राधे जी।